हेलो बच्चो लेट्स सी द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट वन से इज गॉबलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर सेल्स स्टेटमेंट टू से इज ईयर वैक्स इज द सिक्रिएशन ऑफ एक्जोक्राइन ग्लैंड इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं एंड कौन सी गलत है या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं सो द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज हम यहां पे डिस्कस कर रहे होंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथीलियम के बारे में टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथीलियम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स में दो टाइप्स ऑफ ग्लैंड होते हैं द फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर इसमें एक आइसोलेटेड सेल होता है जो ग्लैंड फॉर्म करता है एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर अब इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल होता है गॉपलेट सेल्स एंड मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल होता है सलाइवली ग्लैंड्स जो नेक्स्ट डिविजन होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन दैट मीन्स उनकी जो सिक्रीशन रिलीज होती है वो कैसे बॉडी के टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच रही है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन इसमें भी दो डिविजन होती है एक होती है एंडोक्राइन एंड दूसरी होती है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होता है वो ग्लैंड्स होते हैं जो डक्टलेस होते हैं दैट मीन्स उनकी कोई डक्ट नहीं होती जो उनके सिक्रीशंस को लेके जा रही है टारगेट ऑर्गन्स में ये डक्टलेस ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस को उन्हीं ब्लड में रिलीज कर देते हैं जहाँ पर वो ग्लैंड सिचुएटेड है अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है ऑल दी हॉर्मोन ग्लैंड जितने भी हॉर्मोनल ग्लैंड पढ़ते हैं वो सब एंडोक्राइन के है। एंडल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट मीन्स जो इनकी सिक्रिएशन है वो डक्ट के थ्रू जाती है टारगेट ऑडियंस में और इनके जो एग्जाम्पल है वो है म्यूकस सलाइवा वैक्स etc so let's see the answer to this question statement a was goblet cells are unicellular glands this is correct and in the second statement ear wax is the secretion of exocrine glands ya correct statement hai. ear wax release release so the correct option is both statement one and statement two are true the correct option is option c i hope you understood it well best of luck